तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। ये दीपक जी, जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है, किसी की गोली मारी गई है, क्या क्या खबर है, क्या क्या मामला है? ये जमशेदपुर की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। रेलवे ट्रैफिक कॉलोनी निवासी बबलू सिंह घर से जा रहे थे, रास्ते में उन्हें अपराधियों ने रोककर गोली मार दी और गोली लगने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका इलाज के लिए टीएमएच लाया गया है। यहाँ उनके समर्थक लोग भी जुटे हैं और वो विहित के बागबेड़ा मंडल अध्यक्ष भी है, इसलिए वहाँ उनके समर्थक जय श्री राम के नारा भी लगा रहे थे और अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। जी, पुलिस घटनास्थल पहुंची है? नहीं जी, पुलिस घटनास्थल पे पहुंची है, सिटी एसपी भी घटनास्थल पे पहुंचे और स्पॉट पे खोखा भी बरामद हुआ है। और सिटी एसपी ने बताया कि एक बबलू सिंह नामक व्यक्ति को कुछ अपराधियों ने गोली मार दी है, गोली उनके पैर में लगी है और उनके पीठ में भी कुछ चोट का निशान है। इसका जांच कर रही है हम लोग और अभी जल्दबाजी में नहीं बता सकते हैं, अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग सामने आएगा कि किस अपराधी ने गोली मारी है और उसके पकड़ने के लिए लगातार छापामारी की जाएगी और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। जी जी, धन्यवाद दीपक जी, खबर के लिए बने रहे जमशेदपुर से सोना न्यूज के लिए। पुलिस के की सूचना है? पुलिस के साथ ही लोग आए हैं, जैसे गोली लगा है पुलिस को भी फोन किए थे। नहीं नहीं, ये लोग वहाँ गैर कानूनी काम करते हैं, पुलिस के की सूचना है? नहीं नहीं, पता नहीं है, नहीं है, वही लोग भी जानते हैं, लेकिन काला धंधा सब करते हैं, हम बता रहे हैं। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बबलू सिंह नाम के व्यक्ति को गोली मारी गई है, गोली उनके पाँव में लगी है, कुछ एक पीठ में भी उनके चोट का निशान देखा गया है। उनको होश आवास में कॉन्शियस हालत में पीएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पे भी उनका इलाज चल रहा है। कितनी गोली उनको लगी है ये एक्सरे के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन पाँव में ज़्यादा निशान है और पीठ पर एक निशान पाया गया है। ये गोली क्यों चली है, किसने चलाई है, ये चीज़ें भी सामने निकल के अभी तक आई हैं, लेकिन क्योंकि मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है इसलिए कुछ बोलना मुश्किल है। क्राइम सीन को पुलिस ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से मैनेज किया है और इसमें प्रोफेशनली बागबेड़ा पुलिस काम कर रही है और जल्दी ही हम अपराधियों की गिरफ्तारी करेंगे। घटनास्थल पर कुछ बरामद हुए हैं क्या सर? घटनास्थल पर जैसा कि आप देख सकते हैं, घटनास्थल पर जितने भी एग्जिबिट्स हैं, जितने भी प्रदर्श हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको चिन्हित किया गया है और अभी सर्च की कार्रवाई चली रही है, अभी सर्च कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे पत्ते और बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ वाहन यहाँ पे देखे गए हैं, तो जो भी संदिग्ध है वो सब चीज़ों को जब्त किया जाएगा। सर, ये बबलू जी जो है जिसको गोली लगा है सर, वो क्या है, किस तरह कारोबारी है, क्या करता है? देखिए, इनके बारे में कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ अभी पता चली है लेकिन उनकी पुष्टि होना बाकी है, इसलिए उनके कारोबार के बारे में अभी आधिकारिक तौर पर बोलना जल्दबाजी होगी। ठीक है।